Welcome back. If you are new here, I am Ruhi Syed and welcome back to my channel. In this video, I am going to try out 5-minute crafts hack and I am so excited to do this hacks and मैं first try कर रही हूँ कि ये 5-minute crafts hacks कैसे work करेंगे या फिर नहीं ये video में ही पता चलेगा. So let's get started. First इन्होंने लिया है almond और इसे अच्छे से burn कर लिया है and इसे अच्छे से लगा रहे. मैं भी यही करने जा रही हूँ. आलमंड लेकर इसे अच्छे से बर्न कर रही हूँ. मैंने यहाँ ये गरम कर लिया है आलमंड को और मतलब इसे मैंने जला लिया है. ब्रश में लूँगी ऐसे. मैंने फिल नहीं किए थे एंड आई एम गोइंग टू फिल विद दिस. ये हैक बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा है. आप देख सकते हैं कितना अच्छे से लग रहा है. आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस लग रहा है दोनों में. लुक आ रहा है and I'm going to fill it very nicely. Guys, literally I'm just loving kitna pyara aur acche se fill hue hai mere eyebrows. Kafi acha lag raha hai and it's very natural and aap dekh sakte ho ki pehle mere kaise the and abhi hack acha work kar raha hai. ये हैक के लिए मैं दूंगी 10 out of 10. नेक्स्ट हैक में इन्होंने बहुत ही कमाल किया है. लिपस्टिक की आईलाइनर जैसा यूज किया है और मैं भी ऐसे ही करने जा रही हूँ. ये बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा हैक है. आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है आईलाइनर कलर्स वाले तो आप ये यूज कर सकते हो. ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि ये सूखने थोड़ा टाइम लगता है. सो गाइस, ये हैक वर्कआउट करता है. अदर देन दैट You have to be very careful क्योंकि आपके eyes पर creases पर लगने के chances हो सकते हैं. आपको eyeliner से लगाना है, colors से आपको आपके outfits के हिसाब से जाना है तो आप ये use कर सकते हो. ये hack भी बहुत है, अच्छा है. I am going to give this hack 10 out of 9 because one is कि ये लग सकता है आपके eyes के crease पर. ये immediately सूखने time लगता है. Other than that, it's really good. इस हैक में इन्होंने क्यूटिप लिया है और इसे अच्छे से आउटलाइन करके लिपस्टिक लगा रहे हैं. नेक्स्ट हैक में यूज कर रही हूँ क्यूटिप एंड लिपस्टिक. सो मैं यहाँ पे क्यूटिप लूंगी और सेम जैसे वीडियो में बता रहे हैं मैं भी वैसे ही ट्राई करने जा रही हूँ. मैंने ऐसे रखा लिया है. ये हैक मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा है क्योंकि ये हैक में मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है लगाने में. लिपस्टिक आप देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम से लगा रही हूँ और ये ठीक से लग भी नहीं रही थी. एक एक जगह छूट भी जा रहा था. ये प्रॉब्लम है कि ये ठीक से लग नहीं रही है एंड जैसे हम हमारे हाथ से लगाते हैं वही मुझे बेटर लग रहा है. ये उतना अच्छा नहीं लगा मुझे इसलिए मैं इसे दे रही हूँ 10 out of 7. हैक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. इसमें इन्होंने लिपस्टिक और मॉइस्चराइजर अच्छे से ब्लेंड करके इसे एज अ ब्लश यूज़ किया है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. सो नेक्स्ट हैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लिपस्टिक. यहाँ मैं गुड वाइब्स का मॉइस्चराइजर डाल रही हूँ. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है एंड इसे ब्लेंड करने में मुझे काफ़ी समय लगा और बहुत ही मुश्किल से ये ब्लेंड हुआ है. फाइनली फिर इसे मैं अच्छे से कर रही थी ब्लेंड करने के लिए. इट ऑलमोस्ट टुक मी टू 15 to 20 minutes एंड फाइनली आई हैव डन. फ्रीज होने के लिए रख दिया था तो अभी ये पूरा सेट है एंड इट्स लुकिंग लाइक दिस एंड दिस इज अ जस्ट वाओ. ये बहुत ही पिगमेंटेड और अच्छा भी है. बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड As you can see, it's looking total like blush and just I'm loving it. You can see कि कितना अच्छा लग रहा है एंड ये बहुत ही काफ़ी है. मैंने से इतना अच्छा ब्लेंड हो गया एंड आई एम गिविंग दिस हैक 10 out of 10 एंड आई एम जस्ट लविंग दिस हैक सो मच. दिस इज़ अ वेरी नाइस हैक. सो यहाँ पे इन्होंने क्रेयॉन्स लिया है और इसे कोकोनट ऑयल में मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखे और इसके बाद अप्लाई करें. मैं यहाँ ले रही हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल थोड़ा सा को. ऑलरेडी मैंने यहाँ क्रेयॉन थोड़ा सा ले लिया है. इसे डाल दूँगी मैं एंड इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ दूँ.
अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं थोड़े देर के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी ताकि मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर सकूं। एंड ये ऑलमोस्ट पूरा सेट हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा कलर है, रेड कलर। एंड आई एम गोइंग टू जस्ट डिप इट। ओह वाओ, ऑल ओवर ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं इसे अप्लाई कर रही थी ये बहुत वैक्स जैसा हो रहा था और ऐसा एक जगह पर स्टिक हो जा रहा था, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा इसमें। सो गाइज, आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई जस्ट लव इट। एंड यू कैन सी माई लिप्स, यू कैन सी माई लिप्स, इट्स लाइक ग्लॉसी एंड वेरी नाइस। बट ऐसा लग रहा है कि मैं वैक्स लगा कर हूँ एंड थोड़ी सी जगह पे लगा भी नहीं है, उस पर कुछ लगा कर हूँ ऐसा लग रहा है। ऑब्वियसली वैक्स है, क्रेयॉन से मैंने बनाया है। बट ऑल दो इट्स लुकिंग वेरी 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 गुड एंड यू कैन सी ऑन माई लिप्स, इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड आई कैन गिव दिस 10 out of 9 बिकॉज थोड़ी सी वैक्स स्टिकी स्टिकी एंड अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत ही अजीब सी लग रही है। सो दैट्स द थिंग, मैं इसे 10 out of 9 दे रही हूँ, एक मार्क इसके लिए कम कर रही हूँ। बट ऑल दो इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटिफुल एंड आप ये हैक ट्राई कर सकते हो। जब भी आपके पास, जब आपको कुछ अच्छी लिपस्टिक ट्राई करनी होती है तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए और क्रेयॉन डालें और गुड टू गो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें एंड लव यू ऑल। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगे। सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।